नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। जबलपुर के पनागढ़ थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक के अचानक पलट जाने से उसमें सवार 16 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसमें से एक युवती उषा गौड़ की मौत हो गई है। ट्रक में 32 से ज्यादा मजदूर सवार थे, जिसमें महिला और पुरुष शामिल है। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया गया है और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि डिंडोरी जिले से मजदूरों को पनागढ़ के खेतों में काम करने के लिए मिनी ट्रक से लाया जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार की वजह से अचानक मिनी ट्रक पलट गया। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नहीं तो काय से जा रहे थे आप? पिकअप में। हाँ, कब की बात है? आज ही की बात है। कितने बजे की? मतलब वहाँ घर से हम निकले थे 2:30 बजे रात के, बांधा से। हाँ, मतलब अभी मतलब घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ, मतलब वो गाड़ी पलट गई। कोई गाड़ी से भड़क हुई कि गाड़ी पलट गई? नहीं, मतलब किसी गाड़ी से नहीं। हाँ, भड़क गई यानी पलट गई गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप। कितने लोग बैठे थे उसमें आप? 28। कहाँ कहाँ लगी सबको? एक लड़के के पास में था। अपना नाम बताओ। राहुल। इन लोग मंडला जिला से आए थे, डिंडोरी जिले से, और ये 407 में पनागढ़ के पास रोपा लगाने जा रहे थे। 407 पलट गई, जिससे पिकअप बहाने की 407 है जी। पिकअप बहाने की 407 407 थी। हाँ, उसमें ये कम से कम 32 लोग बैठे थे, जिसमें से 16 लोग घायल हो गए हैं और एक बच्ची खत्म हो गई है, जिनका हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है और मुआवजा भी करवाया है। और पनागढ़ थाने को हमने फोन किया है, पनागढ़ की पुलिस आ रही है और कुछ लोगों को भर्ती किया है, कुछ लोगों को अभी बैठे हुए हैं, जिनको हमने चाय नाश्ता भी हम लोगों ने कराया है। कहाँ कहाँ चोट लगी है? कितनी महिलाएं, कितने पुरुष थे लगभग? किसी के सर में चोट लगी है और एक तो यही खड़े हैं जिनके सर में चोट लगी हुई है, किसी के कान में, किसी के हाथ में, किसी के कमर में चोट सभी को है। उसमें महिलाएं भी हैं जी? महिलाएं भी हैं उसमें? उसमें आधी महिलाएं हैं, आधे पुरुष हैं, और बाकी इलाज जारी, सुधार में है वैसे, और एक खत्म हो गए हैं। अपना नाम बता दें सर। मेरा नाम रतनलाल नागेश, सुपरवाइजर विक्टोरिया हॉस्पिटल।